आखिर क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे? आप भी जाने इसके पीछे का इतिहास। कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते और फालतू बातें जानते हैं और अंधविश्वास रखते हैं, मगर आज मैं सारे अंधविश्वासों और फालतू चीजें और अंध भक्तों को आज मैं आंखें खोल दूंगा। वैलेंटाइन डे के बारे में वैसे सभी जानते हैं, प्रेमियों का दिन होता है। खास बात यह है कि इसे सिर्फ 14 तारीख को ही मनाया जाता है। तमाम प्रेमी युगल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो वैलेंटाइन डे को मानते हैं लेकिन इससे मानने के पीछे के कारण को नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप भी इस लाइन में शामिल हो। अगर आप भी नहीं जानते आखिर क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, तो यहाँ पर आज हम आपको उसी दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आप ये जान पाएंगे कि इस वजह से मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। हर साल 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसके इतिहास की अगर बात करें तो इसके पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम वैलेंटाइन था। इस प्यार के दिन की कहानी की शुरुआत प्यार से भरा हुआ नहीं है, ये कहानी दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोमन की तीसरी सदी, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्लेडियस, तथा रोम के राजा का यह मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोच थी क्लॉडियस राजा के ने ऐलान किया कि उसके राज का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा और जिस किसी ने उसके इस आदेश को उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें यह भी पता था कि यह फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं किया और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को यह नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद किया और उनकी शादी करवाने लगे। जो कि सिपाही अपने प्रेम का शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा चुके थे, लेकिन सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। आप तो जानते ही हैं किसी न किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल कर आ ही जाता है और सबको पता चल ही जाता है। उसी तरह वैलेंटाइन की इस कार के बारे में भी क्लॉडियस राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम था एस्ट्रियस, तथा रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वे लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकते थे। एस्ट्रियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी और अपनी दिव्य शक्ति से ठीक कर दे। वैलेंटाइन एक नेक दिल इंसान थे, वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उस दिन के बाद वैलेंटाइन और एस्ट्रियस की बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्ट्रियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली थी, यह सोच सोच कर उसको गहरा सदमा लग गया था और आखिरकार वो 14 दिन फरवरी आ ही गई जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। उसकी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज मांगा और उस कागज ने उस जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिरी में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था और यह लोग लव्ड जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन सभी प्यार करने वाला लोग अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को फूल तोहफा और चॉकलेट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर आप कोई जानकारी